हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर को। तो द हिंदू एनालिसिस शुरू करें उससे पहले एक अनाउंसमेंट। पहली बार यूट्यूब पे हम आपके लिए लाए हैं एक कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। यहाँ जुलाई 2020 से जून 2021 तक के करंट अफेयर्स को कॉम्प्रहेंसिवली मैराथन लेक्चर्स के थ्रू हम आपको कवर कराएंगे। इसके अलावा आपको डाउट सेशंस और लाइव मॉक टेस्ट भी यहाँ मिलेंगे। अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। विद दिस आगे पढ़ते हैं, टॉपिक्स देख लेते हैं आज के। GS 1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। GS 2 में पॉलिटी में से अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस देखेंगे। IR यानी इंटरनेशनल रिलेशन में अल्जीरिया एंड मोरक्को के बीच में क्या कंट्रोवर्सी हुई है इसको देखेंगे। गवर्नेंस में से सुजलाम कैंपेन ये क्या है इसको देखेंगे। लैक ऑफ मैन पावर इन प्रोब एजेंसीज, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो ये क्या है, ये पूरा इशू क्या है इसको देखेंगे। GS 3 में एनवायरमेंट में से न्यू ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी, ये आज का एडिटोरियल है द हिंदू का, इसको डिस्कस करेंगे। एंड फुकुशिमा न्यूक्लियर वेस्ट, तो ये न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में क्या न्यूज़ में है इसको भी देखेंगे। एंड GS 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। सो टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी, टफ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपल डू। सो कई बार आपको लगता होगा बहुत लो सा, बहुत क्विट करने जैसा सा, बट बिलीव मी दैट टफ टाइम्स, दीज आर जस्ट टफ टाइम्स, ठीक है। और ये लास्ट नहीं करेंगे। आज आपको ऐसा लग रहा है, कल आप खुद ही मोटिवेटेड फील करोगे। तो टफ टाइम्स डोंट लास्ट, बट इफ़ यू आर टफ एट द इनर साइड, अगर आप डेडिकेशन में काफ़ी ज़्यादा टफ हो तो यू विल लास्ट, ओके, यू विल बी अचीविंग योर गोल वेरी सून। सो विद दिस पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट। गवर्नमेंट क्लियर्स 9 नेम्स फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस, तो देखो सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए 9 नाम यहाँ पे प्रपोज किए गए थे, कॉलेजियम ने प्रपोज किया था और उसको गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दे दी है। तो सबसे पहले ये कॉलेजियम क्या है, ये कॉलेजियम क्या है, देखो कॉलेजियम जो है ना, ये एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिससे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज कौन बनेगा इसका डिसीजन कॉलेजियम करता है। और ये कॉलेजियम क्या होता है, बेसिकली ये एक इंस्टीट्यूशन आप समझ सकते हो, एक ग्रुप समझ सकते हो, ठीक है। ग्रुप होता है ये जिसमें CGI होते हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, प्लस कुछ 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं, जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। तो कॉलेजियम ये होता है। अब एक तरीका होता है किस तरह से अपॉइंटमेंट होता है जो भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के उनका, इसके लिए ये कॉलेजियम बनाया गया है। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे होता है ये देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो सुप्रीम कोर्ट के, अगर CGI की मैं बात करूं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे अपॉइंट होते हैं, तो सबसे पहली चीज आर्टिकल 124 जो है ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की, ठीक है। ये आपको याद रखना है 124 आर्टिकल नंबर, ऑलराइट। अब देखो CGI कैसे होता है यहाँ पे अपॉइंट, CGI को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। अपॉइंट तो सारे ही जो जजेस हैं उनको प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन CGI को यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कैसे, जो आउटगोइंग CGI है ना, जो अब जिनका कार्यकाल खत्म हो गया है वो आउटगोइंग CGI हुई, तो वो आउटगोइंग CGI नाम रिकमेंड करेंगे नेक्स्ट CGI का, ठीक है। और ये होता है मोस्टली एंड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, ठीक है। तो मतलब सपोज कि हमारे लास्ट CGI जो थे SA बोबड़े जी, ठीक है, इन्होंने, ये आउटगोइंग CGI थे, इनका कार्यकाल खत्म हो गया तो ये आउटगोइंग CGI थे, ओके। इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड किया नेक्स्ट CGI का नाम, जो कि आज की डेट में हमारे हैं NV रमन्ना, ठीक है। तो इनका नाम इन्होंने प्रपोज किया था, SA बोबड़े जी ने इनका नाम रिकमेंड किया था। एंड दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। इनके बाद नेक्स्ट जो CGI बनने के लिए एलिजिबल थे सीनियरिटी के बेसिस पे, वो यही थे, ठीक है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के CGI का नाम रिकमेंड होता है या प्रपोज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस की, तो बाकी जजेस कैसे होते हैं अपॉइंट ये देखते हैं। तो देखो सबसे पहले ये कॉलेजियम समझो, ये कॉलेजियम सिस्टम जो है ना, ये कॉलेजियम सिस्टम है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस के लिए, CGI के लिए ये नहीं है, बाकी जजेस के लिए ये सिस्टम है अपॉइंटमेंट का, ठीक है। तो कॉलेजियम ऑफ जजेस, इसके बारे में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है, इट डज नॉट फिगर इन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में ये ज़रूर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ CGI, ठीक है, और बाकी जो भी ग्रुप होगा इनके साथ कौन और इंक्लूडेड होगा कंसल्टेशन के लिए, ये डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट। ओके, तो अब देखो यहाँ पे कॉलेजियम के बारे में, सीधा कॉलेजियम वर्ड कहीं पे भी यूज नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। पहली चीज ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है और ये जजेस केसेस से इन्वॉल्व हुआ है। देखो 3 जजेस केसेस आए हैं हमारे यहाँ, ठीक है, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस एंड थर्ड जजेस केस। इनसे ये सिस्टम कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ही इंटरवेंशन है, इनोवेशन है। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड स्पीक ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन। तो इसमें यह कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, लेकिन कंसल्टेशन के थ्रू। अब ये कंसल्टेशन की क्या लिमिट है, क्या डेफिनेशन है, वो इन जजेस केसेस से इवॉल्व हुई है, ठीक है। अब देखो कॉलेजियम क्या है, एक सिस्टम है जहाँ पे जजेस कैसे अपॉइंट होने हैं ये डिसाइड किया जाता है। और सिस्टम अंडर विच जजेस आर अपॉइंटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन कंप्राइजिंग जजेस। तो देखो जजेस का ही एक ग्रुप होगा जो आने वाले नए जजेस कौन से अपॉइंट होंगे ये डिसाइड करता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉलेजियम। अब इसमें 3 जजेस केसेस है। फर्स्ट जजेस केस जो है 1981 का ये जजेस केस है। इसमें ये कहा गया है कि कंसल्टेशन विद सीजीआई इन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट्स मस्ट बी फुल एंड इफेक्टिव। देखो यहाँ पे पहली चीज क्या कही गई है, यहाँ पे कहा गया था जैसे पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट अपॉइंट कर देती थी जो सीजीआई होते थे या सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते थे उनको, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो कंसल्ट करेगी सीजीआई से, ये कहा है फर्स्ट जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि गवर्नमेंट सीजीआई से कंसल्ट करके ही कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस नहीं था। कंसल्टेशन और कॉन्करेंस से मतलब क्या है, कंसल्टेशन मतलब सपोज मैं गवर्नमेंट हूँ, आप यहाँ पे सीजीआई हो, तो मैंने आपसे पूछा कि क्या मैं इसको मतलब आपका क्या कहना है कि मैं किसे अपॉइंट करूँ, ये कंसल्टेशन हुई, ठीक है। तो आपसे मैंने सिर्फ एक राय ली है। कॉन्करेंस मतलब मुझे आपकी राय को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंसल्टेशन वॉज नॉट इक्वल टू कॉन्करेंस। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट जजेस केस में कहा गया था कि सीजीआई जो है वो कंसल्ट करेंगे गवर्नमेंट को कि किसे अपॉइंट करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीजीआई की ही बात मानी जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के पास ज्यादा पावर्स थी, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर थी देन जुडिशरी। सेकंड जजेस केस जो आया 1993 में, इसमें यह कहा गया कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस ही है। यहाँ पे इसका मतलब ये कहा गया कि अगर गवर्नमेंट कंसल्टेशन मांगती है सीजीआई से तो वहाँ पे कॉन्करेंस भी होना चाहिए, यानी कंसल्टेशन जो भी दी है सीजीआई ने उसी की सहमति से उसी को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉलेजियम सिस्टम में यहाँ पे सीजीआई के साथ साथ 2 और जजेस को शामिल किया गया। पहले यहाँ पे सिर्फ सीजीआई से पूछा जाता था, अब सीजीआई के साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस यहाँ पे होंगे, इनका कॉलेजियम होगा और ये जो भी रिकमेंड करेंगे ये गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंसल्टेशन इज इक्वल टू कॉन्करेंस हो गया, ठीक है। थर्ड जजेस केस में कहा गया कि कॉलेजियम जो पहले सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस बनाते थे कॉलेजियम को, अब वही सीजीआई और 4 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं ये सब मिलके कॉलेजियम को बनाएंगे और इनका जो भी रिकमेंडेशन होगा, जो भी कंसल्टेशन होगा वो फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा, ठीक है, गवर्नमेंट पे। तो मतलब यहाँ पे भी कंसल्टेशन इज इक्वल टू कॉन्करेंस हो गया, ठीक है। तो ये 3 जजेस केस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से इवॉल्व हुए है कॉलेजियम। तो आज की डेट में थर्ड जजेस केस के हिसाब से अपॉइंटमेंट होती है, यानी कि कॉलेजियम में एक सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट जजेस रहते हैं और इनकी जो भी रिकमेंडेशन होती है वो गवर्नमेंट को माननी पड़ती है। अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि आप इसको फिर से रिव्यू कीजिए, अगर कॉलेजियम को ये कहती है और अगर कॉलेजियम फिर से वही रिकमेंडेशंस देता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट को मानना पड़ता है ये, ठीक है। तो ये पूरा इशू था। मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई किस तरह से अपॉइंट होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि कॉलेजियम ने जो भी रिकमेंडेशन दी वो लॉ मिनिस्टर के पास जाती है, लॉ मिनिस्टर फाइनली इसको प्राइम मिनिस्टर के पास भेजते हैं और प्राइम मिनिस्टर फिर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि अब आप इस जो भी जजेस के नाम आए हैं इनको आप अपॉइंट कीजिए, ठीक है। तो अभी भी वैसे ही हुआ है, 9 जजेस यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। और इसमें चांसेस ये भी हैं कि हो सकता है पहली विमेन सीजीआई हमको मिले, ठीक है, पहली फीमेल सीजीआई हमको मिले आफ्टर दिस अपॉइंटमेंट्स। ओके, तो चलो देन बात करते हैं नेक्स्ट हमारे इशू की, विच इज़ अबाउट द न्यू ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी। ये एक एडिटोरियल है, इसको देखते हैं। तो देखो इस एडिटोरियल में क्या कहा गया है, इसमें बात की गई है ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी की। तो देखो यहाँ पे कहा गया है यूएन की जो आईपीसीसी की रिपोर्ट आई थी रिसेंटली, उसमें नेट जीरो एमिशन की बात की गई है, लेकिन नेट जीरो एमिशन को लाने के लिए हमें एक अलग पॉलिसी की ज़रूरत है और यहाँ पे इन्होंने फोकस किया है पर कैपिटा एमिशन पर। देखो मैं आपको पहले इसका पूरा सार समझाती हूँ, ठीक है, पर कैपिटा एमिशन पर। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें कही गई है, ठीक है। अब पहली चीज़ ये कही गई है कि हम देखो अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने अलग अलग प्रोग्रेस की है, अलग अलग तरीके से कंजप्शन किया है नेचुरल रिसोर्सेज का, एनवायरनमेंट का, और अलग अलग तरीके से कार्बन एमिशन किया है, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि 2050 तक सभी को नेट ज़ीरो एमिशन तक आना पड़ेगा तो ये क्लाइमेट इनजस्टिस हुआ। हमें क्लाइमेट जस्टिस की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। मतलब कि हमें ऐसी कुछ चीज़ करनी चाहिए जिससे जो कंट्रीज़ आगे नहीं पाई थी, जो कंट्रीज अभी भी डेवलपिंग है, जिन्होंने यूज ही नहीं किया एनवायरमेंट के रिसोर्सेज का, जिनका कार्बन एमिशन बहुत कम है, वो क्यों भुगतें जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए, ठीक है। तो पहली चीज ये कही गई है। दूसरी चीज यहाँ पे कही गई है कि एनवायरमेंट के अलावा यहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज का भी इशू है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो गरीब कंट्रीज हैं आज की डेट में, ठीक है, जो अभी भी डेवलप हो रही हैं, जिसमें रूरल क्लास बहुत ज़्यादा है, पुअर क्लास बहुत ज़्यादा है, उसको भी हक है कि वो भी एनवायरमेंट के रिसोर्सेज का यूज़ करके अपनी जो पॉपुलेशन है उसको डेवलप करे, ठीक है। तो हर किसी के पास राइट टू प्रॉपर लाइफ यहाँ पे होना चाहिए, तो ये ह्यूमन वैल्यूज़ का भी इशू है। तीसरी चीज़ यहाँ पे कही गई है ये सिविलाइजेशन का भी इशू है मोर देन एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ज़्यादा भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो ये आपको मैंने बताया कि ये पूरी इसकी समरी है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है बिटवीन ग्लोबल कार्बन स्पेस। तो ये जो ग्लोबल कार्बन स्पेस है इसमें एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस देखने को मिलता है, ठीक है, ग्लोबल कार्बन स्पेस में। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर कंट्री अपने अपने अकॉर्डिंग कार्बन एमिशन करती आई है। जैसे यूएस है, यूके है, चाइना है, इन सब ने बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन किया है, तभी वो आज डेवलप्ड है। हमारी जब बारी आई डेवलप होने की, तो अब आप लोग नेट जीरो एमिशन की बात कर रहे हैं, तो हम कब डेवलप होंगे, ये चीज़ कही है ऑथर ने, ठीक है। तो इसमें बात की है पर कैपिटा एमिशन की, कि देखो हम अगर हम क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखेंगे कि कौन सी कंट्री कितना एमिशन कर रही है तो वो एक गलत मेजर होगा। यहाँ पे ऑथर ने बात की है कि हमें एक पर कैपिटा एमिशन का स्टैंडर्ड चूज करना चाहिए, क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि अभी अगर हम देखें वर्ल्ड का जो पूरा पर कैपिटा एमिशन है वो 6.5 टन है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो एवरेज जो पर कैपिटा कार्बन एमिशन है वो 6.55 टन है कार्बन डाइऑक्साइड का। मतलब कि एक पर्सन वर्ल्ड के एवरेज के अकॉर्डिंग 6.55 टन कार्बन को एमिट करता है, ठीक है। लेकिन इंडिया की देखें तो इंडिया का आप देखोगे ना, ये क्यों कह रहे हैं ऑथर, क्योंकि इंडिया जो है सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है अगर ऐसे देखा जाए तो। लेकिन पर कैपिटा पे देखा जाए तो इंडिया अभी बहुत पीछे है बाकियों से, ठीक है। जैसे इंडिया का जो पर कैपिटा एमिशन है दैट इज जस्ट 1.96 टन, ठीक है। और ग्लोबली कितना है, ग्लोबल एवरेज है 6.55। तो आप देखो हम कितना पीछे हैं अभी, तो हम कुछ एमिशन कर ही नहीं रहे हैं। अगर हम पर कैपिटा बेसिस पे देखें तो हमारी पॉपुलेशन भी तो इतनी है ना, तो हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो कुछ तो एमिशन करेंगे। अगर हम नॉर्मल एमिशन भी करने लग जाएं इनसे बहुत कम होके भी, तो भी हमारा एवरेज जो होगा ना, हमारा एवरेज इनसे काफ़ी कम होगा और हमारा टोटल अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कुल मिला के बात यह की गई है कि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए कार्बन एमिशन ओवरऑल क्यूमुलेटिवली ज़्यादा होता है, लेकिन आप पर कैपिटा बेसिस पे देखोगे तो कम ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात की है यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने तो 2.5 गुना, ये 6.55 से 2.5 गुना ये एमिशन करते हैं पर कैपिटा बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद चाइना, फ्रांस, ये भी बहुत अच्छा करते हैं, 6.4 टन एमिशन होता है पर कैपिटा इनका, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 2050 तक हम इस ग्लोबल नेट ज़ीरो एमिशन को अपना नहीं सकते, क्योंकि हमारे पर कैपिटा तो एमिशन हो ही नहीं रहा है कुछ, ठीक है। और हमें ज़रूरत है अब अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ने की। देखो सेकेंड पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, अब हमें अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। हमारी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आज की डेट में भी रूरल है, तो अब जब हमारी अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ने की बारी आई है, तो अब हम नेट जीरो एमिशन की तरफ कैसे बढ़ जाए, ठीक है। हम अपने क्या पॉपुलेशन को डेवलप ना करें, तो ये चीज़ कही हुई है, ठीक है। सेकंड चीज़ यहाँ पे की हुई है कि यहाँ पे हमें स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन में स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखो नॉर्थ अमेरिका एक छोटी सी कंट्री जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है, ठीक है, 1/4 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है यहाँ पे, और ये सबसे ज़्यादा जो है इन्होंने ही सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन किया, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने, ठीक है। तो ये तो डेवलप हो गए हैं, हम कब डेवलप होंगे। इसके बाद यहाँ पे ये भी चीज़ कही गई है कि जो वर्ल्ड का रिमेनिंग कार्बन बजट है, अगर देखो पेरिस क्लाइमेट पैक्ट में हमने क्या बोला था कि हमको 1.5 डिग्री सेल्सियस पे रोकना है टेम्परेचर राइज को बाय 2100, ठीक है। ये कहा है हमने। अब इसके लिए कितना कार्बन हम एमिट कर सकते हैं, तो अब जितना हम एमिट, सपोज एक्स क्वांटिटी का अगर आप कार्बन एमिट करते हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा बाय 2100, ठीक है, जो सन है तब तक। लेकिन अब इसमें सिर्फ 400 गीगाटन हम अब बचा है हमारे पास एमिट करने को, तब जाके हम 1.5 पे रोक पाएंगे टेम्परेचर राइज को। अगर हम 400 गीगा टन से ज़्यादा एमिट करते हैं कार्बन को तो हम यहाँ पे 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल जाएंगे टेम्परेचर राइज में। पर यहाँ पे कहा गया है कि ये 400 गीगा टन तो अकेला यूएस ही एमिट कर देगा, तो हमारी तो कोई बारी ही नहीं आएगी। और उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि नेट जीरो एमिशन की तरफ बढ़ो, ठीक है। अब यहाँ पे सोर्सेज की बात की गई है, तो देखो अर्बनाइजेशन एक सोर्स है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस का। उसके बाद यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लिविंग जो यूएस बहुत ज़्यादा फोकस करता है जिस पे, वो है यहाँ पे, ठीक है। फिर फ्यूल कंजम्पशन है, एनर्जी इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें जो है ये मेजरली एनर्जी जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज है ये मेजरली एमिशन का सोर्स है यहाँ पे, ठीक है। देन बात करते हैं कि नए आइडियाज़ और इम्प्लीकेशंस की। तो सबसे पहले ये बोलते हैं कि क्लाइमेट जस्टिस की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। क्लाइमेट जस्टिस का मैंने आपको मतलब बताया था। क्लाइमेट जस्टिस क्या है कि जहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हें थोड़ा मौका मिले कि वो भी डेवलप हो पाए, ठीक है। इसमें यह कहा गया है कि सोर्सेज की तरफ हमको देखने की ज़रूरत है कि कहाँ से इतना ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है। जैसे कि हमने देखा नॉर्दर्न अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज बहुत ज़्यादा एमिशन कर रही है, तो हमें इन पर थोड़ा सा काबू करने की जरूरत है, ठीक है, इनके ऊपर कर्ब्स लगाने की जरूरत है। सेकंड चीज ये कहते हैं कि यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इंपैक्ट्स होंगे ना, वो लोकल नहीं ग्लोबल होंगे, ठीक है। तो हमें ग्लोबली आगे बढ़ने की जरूरत है, ग्लोबल लेवल पे एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। तीसरी चीज ये कहते हैं कि कॉमन रूल्स बनाएं, लेकिन उसको डिफरेंशिएटेड बेसिस पे बनाएं, ठीक है। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की जरूरत है यहाँ पे, और कॉमन गोल्स बनाएं लेकिन ह्यूमन राइट्स को देखते हुए बनाने की जरूरत है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे ये भी कहा गया है कि एनवायरमेंटल डैमेज से बचाने की तो है ही है हमको, अर्थ को, लेकिन इसके साथ साथ हमें वेलबींग की भी जरूरत है, लोगों के वेलबींग की भी सोचने की जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये कही गई है कि यहाँ पे हमें क्लाइमेट चेंज जो है वो सिर्फ एक एनवायरमेंटल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये सिविलाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। सिविलाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशनल का इशू है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि हमारी जब बारी आई, हमको जब हमारी सिविलाइजेशन को ट्रांसफॉर्मेशन करना था हमें, तब आप नेट जीरो एमिशन की बात कर रहे हो, तो इनको ध्यान में रखते हुए हमें नेट जीरो एमिशन की तरफ बढ़ना चाहिए। मैंने आपसे कल या परसों एक बात भी कही थी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो इस कंसेप्ट में हमने देखा था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं सभी की, देखो वैसे सभी की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्लाइमेट चेंज को हम रोकें, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी डिफरेंशिएटेड है, ठीक है, अलग अलग है। क्यों? क्योंकि सब अलग अलग स्पेस से डेवलप हो रहे हैं। कुछ कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया है नेचुरल रिसोर्सेज का, कुछ कंट्रीज अभी भी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना बाकी है उनको, ठीक है। तो इसीलिए कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये पूरा एडिटोरियल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। अल्जीरिया कट्स डिप्लोमेटिक टाइज विथ हॉस्टाइल मोरक्को। तो सबसे पहले देखो लोकेशन कहाँ है, तो ये है अल्जीरिया, ठीक है, अफ्रीका है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, और ये है मोरक्को, ठीक है। यहाँ पे आता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आता है यहाँ पे, यहाँ ऊपर आता है स्पेन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किस किस को अलग करता है, यहाँ पे आता है अटलांटिक ओशन, ओके, और यहाँ आती है मेडिटेरेनियन सी। तो ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मोरक्को और स्पेन के बीच में आता है, ठीक है, अटलांटिक और मेडिटेरियन सीज को अलग करता है। तो अल्जीरिया और मोरक्को के बीच में अभी कुछ डिप्लोमेटिक टाइज को लेकर प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जैसे कि अल्जीरिया ने बोला है कि हम मोरक्को के साथ जो भी डिप्लोमेटिक टाइज हैं उनको कट करते हैं, ठीक है। जैसे देखो कोई भी दो एडजेसेंट कंट्रीज होती है ना, उनके बीच में बॉर्डर इशूज़ हमेशा रहते ही हैं, टेरिटोरियल इशूज़ रहते ही हैं, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है। और यहाँ पर कहा है कि तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि मोरक्को अल्जीरिया से चिढ़ता है, क्योंकि अल्जीरिया, ऐसा माना जाता है कि अल्जीरिया मोरक्को में जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करता है। अल्जीरिया मोरक्को से चिढ़ता है क्योंकि मोरक्को के पास कुछ टेरिटरी है मानी जाती है जो अल्जीरिया और मोरक्को के बीच में डिस्प्यूटेड है। तो ये पूरा इशू है, ठीक है। अभी इसमें ट्रिगर पॉइंट ये भी था कि लास्ट ईयर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि मोरक्को को ये कहा कि आप जो टेरिटरी आपके बीच में डिस्प्यूटेड है मोरक्को और अल्जीरिया के बीच में, हमारा मानना है, यूएस का मानना है कि वो मोरक्को की टेरिटरी है। ऐसा क्यों कहा डोनाल्ड ट्रंप ने? क्योंकि मोरक्को ने इसराइल के साथ अपने रिलेशंस को सुधार लिया, तो इसके कारण मोरक्को को एक लेजिटिमेसी दे दी यूएस ने। तो इसके कारण अल्जीरिया और भड़क गया और अल्जीरिया और मोरक्को के बीच में रिलेशंस और ख़राब हो गए। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने मैप इसलिए रखा है सो दैट आप इसकी लोकेशन देख पाओ। तो देखो लोकेशन कैसे देखना है कि ये मोरक्को है, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, तो इस तरह से आपको देखना है, ठीक है। आप इसको मार्टले से याद रख सकते हो, ठीक है। तो आपसे ऐसे नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इस तरह से पूछा जा सकता है कंट्रीज के बारे में भी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है, कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन निकलता है और कहाँ से इक्वेटर निकलता है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। देन थोड़ा सा यहाँ पे अफ्रीका का मैप और देख लेते हैं। देखो सबसे ऊपर है एटलस माउंटेन्स, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर, तीनों निकलती हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों लाइंस निकलती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो लिबियन डेजर्ट है, नाइल रिवर यहाँ से जाती है, ठीक है। फिर नूबियन डेजर्ट है ये। उसके बाद यहाँ पे इथोपियन हाईलैंड्स है, इस एरिया को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्रेट रिफ्ट वैली है। फिर यहाँ पे देखो कॉन्गो रिवर बेसिन है, यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनी है, ठीक है, ये इक्वेटर पास हो रहा है। फिर यहाँ कालाहारी डेजर्ट है, ठीक है, ये नामेब डेजर्ट है। मोजाम्बिक चैनल, ठीक है, यहाँ पे लेक विक्टोरिया है ये, ठीक है, जो सबसे बड़ा लेक है यहाँ का। उसके बाद ये रेड सी है, ये है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब। फिर ये है पर्शियन गल्फ, ये कौन सी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, ऑलराइट। और ये है मेडागास्कर। उसके बाद नीचे है ये केप ऑफ गुड होप। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, थोड़ा देख के जाना एटलस, ठीक है, क्योंकि रोज एटलस देखोगे ना तो ही अच्छी पकड़ बनेगी। आगे बढ़ते हैं। फुकुशिमा न्यूक्लियर वेस्ट टू बी रिलीज्ड वाया अंडरसी टनल। तो देखो यहाँ पे पूरा इशू क्या है इसको समझाती हूँ पहले मैं। फुकुशिमा में देखो यहाँ पे 2011 में सुनामी और अर्थक्वेक की सारी चीज़ें हुई थी। अर्थक्वेक आया था यहाँ पे, ठीक है, बहुत बड़ा अर्थक्वेक था जापान साइड में। और यहाँ पे फुकुशिमा, देखो फुकुशिमा कहाँ आता है, ये है जापान का मैप, ठीक है, ये है हमारा इंडियन, ये पैसिफिक ओशन साइड वाला रीजन है ये, ठीक है, ये सी ऑफ जापान है, ये रशिया चाइना के पास में, ये है जापान, ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है ये जापान है, ठीक है। जापान में ये आपको दिख रहा होगा टोक्यो, टोक्यो के ऊपर नॉर्थ ईस्ट में इस रीजन में आता है फुकुशिमा, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, था यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट था और अर्थक्वेक के आने के कारण ये पूरा डिस्ट्रॉय हो गया और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हुआ था और बहुत ज़्यादा बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ का जापान का थोड़ा सा मैप देख लो। 4 आइलैंड से मिलकर जापान बना है, होकाइडो, होंशू, शिकोकू और क्यूशू। देखो ये 4 आइलैंड्स के नाम याद रखना, होकाइडो, होंशू, शिकोकू और क्यूशू। इसका वो भी याद रखना सीक्वेंस। होकाइडो सबसे पहले नॉर्थ में, फिर होंशू, फिर शिकोकू और लास्ट में क्यूशू आता है। और ये टोक्यो जो है ना ये होंशू पे है, ठीक है, होंशू आइलैंड के ऊपर है। तो फुकुशिमा टोक्यो के जस्ट ऊपर है, ठीक है। तो ये पता चल गया आपको। 2011 में अर्थक्वेक आया था जिसके कारण ये न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। अब काफ़ी समय हो गया है इसको, जापान काफ़ी टाइम से इसका जो वाटर है, जो देखो जो कंटेमिनेटेड वाटर था ना इसका, उसको टैंक्स में इधर जमा करके रखा था फुकुशिमा के न्यूक्लियर प्लांट के आसपास जापान ने। लेकिन जापान ये कह रहा है कि हम कई सालों से एक टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ के पानी को प्योरीफाई कर रहे हैं, यहाँ से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है उसको निकाल रहे हैं और अब हम यहाँ से इस पानी को रिलीज करना चाहते हैं इनटू ओशंस। तो ये चीज़, ये पूरा इशू है, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखो कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है। इसको कहते हैं एल्प्स। इस टेक्नोलॉजी को जो जापान ने यूज़ किया ना इस पानी को ट्रीट करने के लिए, इसको कहते हैं एल्प्स, यानी कि एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू जापान ने इस पानी को प्योरीफाई किया है। अब इसमें मेजॉरिटी ऑफ जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं, यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी ट्रिटियम और स्ट्रॉन्शियम जो है ये इसमें है, ठीक है, इस पानी में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। ट्रिटियम क्या है, ट्रिटियम आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ठीक है, और स्ट्रॉन्शियम इसमें अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो अब एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि ट्रिटियम और स्ट्रॉन्शियम डायरेक्टली तो कोई इम्पैक्ट नहीं डालते लोगों के ऊपर, ह्यूमन लाइफ के ऊपर या बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, ज़्यादा इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली कोई इनका एमिजन एनर्जी का उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर इसको कंज्यूम करते रहें हम ओवर द टाइम, या फिर मरीन एनिमल्स इसको कंज्यूम करते रहें, या ह्यूमन्स की फूड चेन में किसी तरह अगर ये आ गए तो ये कार्सिनोजन हो सकते हैं, यानी कि ये कैंसर का कारण हो सकते हैं और कैंसर बहुत ज्यादा जल्दी फैल सकता है इन ह्यूमन पॉपुलेशन एज वेल एज इन द अदर मरीन बायोडाइवर्सिटी। तो ये एक इशू ऑफ कंटेंशन है, ठीक है, कॉज ऑफ कंसर्न है यहाँ पे ट्रिटियम और स्ट्रॉन्शियम। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस न्यूज़ में पूरा ये बस यही सारा इशू समझाया हुआ है और ये समझाया हुआ है कि 2023 से जापान प्लान कर रहा है कि ये इस पानी को रिलीज करेगा इन द सीज, ओके। तो ये पूरा इशू था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। अच्छा देखो यहाँ पे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का जो इशू है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ओके। देन नेक्स्ट इशू की तरफ बढ़ते हैं, सुजलाम कैंपेन, ठीक है। सुजलाम कैंपेन क्या है, तो देखो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 डेज में 1 मिलियन सोक पिट्स बनाने हैं। तो ये सोक पिट्स क्या है इसको समझो। तो देखो जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है ये सोक पिट्स बनाने का काम करने वाली है। 1 मिलियन सोक पिट्स बनाने हैं हमको इन 100 डेज। ये ही है सुजलाम कैंपेन, सबसे पहली चीज़ तो ये। अब इसमें क्या होगा, ग्रे वाटर यानी कि जो पॉल्यूटेड वाटर है, जो पॉल्यूशन से आ रहा है, जो किचन से निकल रहा है, इन सब जगहों से ग्रे वाटर जो निकल रहा है इसको मैनेज करेंगे, ठीक है, इसका वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे और इससे क्लॉगिंग जो होती है ना वाटर बॉडीज की उसको रोकेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये हो रहा है। अब स्वच्छ भारत मिशन 1 जो था उसमें ओडीएफ स्टेटस के लिए हम काम कर रहे थे, यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस के लिए। दूसरा अब हम बात कर रहे हैं ओडीएफ प्लस की। ओडीएफ प्लस स्टेटस का मतलब ये है कि हम यहाँ पे ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस को तो मेंटेन करेंगे ही, दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि सॉलिड एंड वाटर वेस्ट मैनेजमेंट जो है इसको भी हम यहाँ पे करेंगे। सॉलिड और वाटर वेस्ट मैनेजमेंट जो है इसको भी यहाँ पे इंश्योर करेंगे। और इसी के लिए अब ये सुजलाम कैंपेन आया है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो भी गंदा पानी है उसको हम, वैसे क्या होता था कि वो सारा जो गंदा पानी होता था एक साथ आके जो पॉन्ड या लेक्स होते थे सिटीज़ के या रूरल एरियाज़ के या विलेजेस के उसमें जमा हो जाता था। अब क्या होगा ये कि इसमें जमा ना होकर ये इस पानी को ख़राब ना करके इसके लिए सोक पिट्स बनाए जाएंगे। और इस सोक पिट में क्योंकि यहाँ लैंड ड्राई होता है तो ये एक तरह से फिल्टर का काम करेगा। सोक पिट जो है एक तरह से फिल्टर का काम करेगा। आप इसमें गंदा पानी डालोगे, ये ओवर द टाइम फिल्टर होके नया अच्छा पानी, प्योर वाटर बनता जाएगा, ठीक है। तो ये सोक पिट का काम होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे 1 मिलियन का टारगेट रखा गया है, लेकिन अलग से कोई स्टेट्स के लिए टारगेट यहाँ पे फिक्स नहीं किया गया है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है उन्होंने ये कहा है स्टेट्स को कि आप अपने अपने टारगेट्स खुद डिसाइड कीजिए और हमको ये कंप्लीट करना है इन 100 डेज, ठीक है। तो इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पे जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करके सोक पिट्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये सोक पिट्स का पूरा काम है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट इशू है आज का, प्रोब एजेंसीज टू हिट बाय द लैक ऑफ मैन पावर। तो देखो यहाँ पे CGI जो है हमारे, उन्होंने एक बेंच के डिसीजन में, एक जजमेंट में ये बताया कि जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं जैसे CBI और ED, इनके पास भी जो वैकेंसीज हैं बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ये भी मैन पावर की अभी इनके पास भी बहुत ज़्यादा लैकिंग है, ये चीज़ इन्होंने कही है यहाँ पे। और इनका कहना है कि कई सारे केसेस चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस MPs और MLAs के लिए, जिसमें हमने इन्वेस्टिगेशन करने का कहा था CBI जैसी एजेंसीज को, लेकिन इनके पास इतने सारे केसेस पेंडिंग है, इतनी सारी वैकेंसीज हैं कि इनके पास मैन पावर ही नहीं है इन पेंडिंग केसेस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। जैसे इसमें बताया गया 51 MPs और 71 MLAs जो हैं वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत इनके ऊपर चार्जेस चल रहे हैं। तो इसका अभी तक कुछ असर नहीं निकला है, कुछ भी इसका फाइनल डिसीजन नहीं निकला है, इनकी इन्वेस्टिगेशन ही पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। इसके बाद 121 केसेस हैं जो MPs MLAs के अगेंस्ट चल रहे हैं, ठीक है, जो ट्रायल केसेज अभी तक चल रहे हैं, इनका भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है। देन कुछ केसेज ऐसे हैं जहाँ पे 200 करोड़ जितनी प्रॉपर्टी अटैच कर दी है इन्होंने, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो रहा है, कई सालों तक चल रहा है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो रहा है। तो इनका कहना है कि अगर आप प्रॉपर्टी अटैच कर भी देते हो, आपकी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं पूरी हो रही है, तो किस तरह से आप काम कर पाओगे। तो कुल मिला के इसमें ये कहा गया है कि हमें अब देखो जुडिशरी में तो है ही वैकेंसीज की प्रॉब्लम, ठीक है, मैन पावर की लैकिंग है ही, यहाँ पे भी अगर हो जाएगी तो किस तरह से केसेस डिस्पोज हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो CBI या ED जैसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के ऊपर डिपेंडेंट है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो अगर ये भी इस तरह से काम करेंगे तो काम कैसे होगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि हमको इसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि वैकेंसीज को यहाँ पे फुलफिल किया जाए, केसेस पेंडिंग ना रहे, ठीक है, क्योंकि फिर उससे यहाँ पे जुडिशरी के ऊपर भी असर पड़ता है। तो छोटा सा इशू था पर पता होना चाहिए, एक तरह से पॉइंट की तरह आप यूज कर सकते हो जुडिशरी में जो वैकेंसीज हैं उससे लिंक करके, ठीक है। देन कल के जो क्वेश्चंस थे, कल के नहीं परसों के क्वेश्चंस थे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट PVTG ग्रुप्स, PVTG पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो देखो PVTG ग्रुप्स क्या होते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो कुछ ट्राइबल ग्रुप्स जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं, उनको कहते हैं PVTG। अब पहला स्टेटमेंट है PVTG रिसाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। तो ये सही स्टेटमेंट है, 18 स्टेट्स में और 1 यूनियन टेरिटरी जो कि है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पे ही सिर्फ PVTGs एग्जिस्ट करते हैं, पूरे कंट्री में नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड क्या है, क्राइटेरिया, स्टेगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, ये सही स्टेटमेंट है। 4 क्राइटेरियाज हैं टोटल, एक तो ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, दूसरी इलिटरेसी, ठीक है, इलिटरेसी है दूसरा, बहुत ज़्यादा इलिटरेसी होना, तीसरा है प्री एग्रीकल्चर लेवल की टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, और चौथा है सब्सिस्टेंट इकोनॉमी, यानी कि आप कमर्शियल चीज़ों के लिए अपनी इकोनॉमी नहीं चला रहे हो, आप सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए इकोनॉमी पे जी रहे हो, ठीक है। तो ये चार जो है इसके क्राइटेरियाज हैं। देन देर आर 95 PVTGs ऑफिशियली नोटिफाइड, ये गलत स्टेटमेंट है, 95 नहीं 75 PVTGs हैं जो अभी तक नोटिफाइड की हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम ने, ठीक है। तो होम अफेयर्स जो वाली मिनिस्ट्री है, होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री, उन्होंने अभी तक सिर्फ 75 PVTGs को यहाँ पे नोटिफाई किया है। देन इरूलर एंड कोंडा ट्राइब्स, ये PVTG का पार्ट है, येस दे आर द पार्ट ऑफ PVTG, और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रीजन की PVTGs हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, फोर्थ स्टेटमेंट सही है, थर्ड गलत है। तो थर्ड अगर आप एलिमिनेट करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, ठीक है। देन सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। तो देखो मैंने आपको कहा था ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो लिबर्टी की सही डेफिनेशन आप क्या समझते हो? प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरनी ऑफ द रूलर्स, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वन लाइक्स, या अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। तो इसका आंसर होगा अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। ऐसा क्यों? देखो थर्ड स्टेटमेंट तो गलत ही है, दिख ही रहा है कि क्या आप कुछ भी कर सकते हो, लिबर्टी है तो ये गलत है। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, कुछ भी करने का रिस्ट्रेंट नहीं है आपका, ये भी गलत है, क्योंकि देखो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये भी गलत है। फिर टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, ये भी गलत है, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे देखो वैसे तो चारों ही इसके मीनिंग सही है, लिबर्टी वर्ड के मीनिंग सही है, लेकिन हमारे यहाँ पे इसका मतलब डी होगा। जैसे आप देखते होगे प्रीएम्बल में लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये बात होती है। तो ये सब चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है? किसी भी इंडिविजुअल के खुद की डेवलपमेंट के लिए, तो इसीलिए इसका आंसर डी होगा, ठीक है। तो कंसेप्ट बेस्ड है, समझ गए। देन आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन की, सॉरी। विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो हाई कोर्ट शैल हैव द ज्यूरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। तो कोई भी हाई कोर्ट इनवैलिड नहीं कर सकता सेंट्रल लॉ को, ये गलत स्टेटमेंट है, कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही सेंट्रल लॉ को इनवैलिड कर सकते हैं, ठीक है, इनवैलिड कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, तो ये गलत है। सेकेंड है, अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी कॉल्ड इन टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसको भी जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे नीदर वन एंड नीदर टू, ठीक है, नीदर वन नॉट टू वुड बी द आंसर, डी आंसर होगा इसका, ठीक है। देन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव सेफगार्ड वन्स राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ चॉइस। तो किसी भी पर्सन को अपने मर्जी के पर्सन से शादी करने का जो राइट है वो किसके अंदर दिया गया है? 21 के अंदर, आर्टिकल 21 के अंदर, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के अंतर्गत ही ये वाला राइट आता है, राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। तो क्या है? सी डी डी बी, ठीक है, ये इसके आंसर्स होंगे। अब आज का देखो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको ग्लेशियर जो सोर्स है रिवर का वो और रिवर को मैच करना है, ठीक है। देन यहाँ पे दो और क्वेश्चन आपके लिए, एक नेशनल पार्क से रिलेटेड है, एक ज्योग्राफी से रिलेटेड है। और आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।